जय हिंद दोस्तों, मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और आज मैं डिफेंस एग्जामिनेशन सिस्टम के करप्ट पॉलिसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो मैं करप्ट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, आई नो कि ये थोड़ा गलत है, बट व्हाट कैन वी डू, क्योंकि ऐसा इन्होंने खुद किया है। बिकॉज आज से 2 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब चीज़ें टाइम टू टाइम होती थी। ये कोरोना के आया, सारा इफेक्ट हम ही लोगों पे होने लगा। कुछ 3-4 पॉइंट है जिन पे मैं बात करूँगा। पहला, जनवरी 2020 में एयरफोर्स का फॉर्म फिल हुआ था जिसका एग्ज़ाम मार्च में होना था, जो कि कोविड के कारण डिले होकर के नवंबर में हुआ और उन लोगों का इनरोलमेंट अभी तक नहीं हुआ एंड स्टिल दे आर वेटिंग। दूसरा, जनवरी 2021 में एयरफोर्स का फॉर्म फिल हुआ अगेन और उसका एग्ज़ाम 14 जुलाई से 18 जुलाई तक हुआ। 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, ना अभी तक कोई रिजल्ट आया और ना ही कोई अपडेट। मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस सिचुएशन में हैं और जिनका एज निकलते जा रहा है, और इसका जवाबदेही कौन होगा? मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता हूँ, गलत तो ये CSB वाले हमारे साथ कर रहे हैं, बिकॉज एयरफोर्स इज़ नॉट रॉन्ग, दे आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली। मानते हैं सबका कुछ पर्सनल रीजन होता है, लेकिन ये कैसा रीजन है? ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रिजल्ट्स आर डिलेइंग। सर, अगर आपको कोई रिफॉर्म ही लाना है तो बता तो दो कि इतने दिन लगेंगे, तो जिनका एज बचेंगे वो अपना प्रिपरेशन करेगा और नहीं तो किसी और फील्ड को चूज कर लेगा। ऐसे शांत रहकर आप स्टूडेंट को बेवकूफ़ मत बनाओ। मानते हैं आप हमसे हर मामले में बड़े हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी मनमानी करेंगे? थर्ड है नेवी का तो इससे भी बुरा हाल किया है इन्होंने, सेमलेस परसेंटेज पॉलिसी को ला करके, जिसमें हाइस्ट परसेंटेज वालों को मौका दिया। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 80% इज़ नॉट टू मच लेस दैट आई कांट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। लेकिन नहीं, इनको तो इससे भी ज़्यादा चाहिए था। क्या हाइस्ट परसेंटेज वाले ही देश सेवा की भावना रखते हैं? अगर ऐसा ही करना था तो आप अपना नोटिफिकेशन चेंज क्यों नहीं कर देते कि नेवी में सिर्फ टॉपर्स ही आ सकते हैं? क्योंकि आप लोग ये बहुत गलत पॉलिसी अपना है, जिसमें आप एकेडमिक परफॉर्मेंस पे स्टूडेंट्स को जज कर रहे हैं। सर, हम अगर दौड़ के हार जाए तो हमें कोई रिग्रेट नहीं होगी, लेकिन आप तो दौड़ने का मौका ही नहीं दिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है आर्मी। पिछले साल जो रैली भर्ती आई थी उसका फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर हो चुका है। 1 साल से ज़्यादा हो गया बट अभी तक उसका रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग तो दूर की बात है, और आगे कब तक इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और नेक्स्ट भर्ती लाएंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। पिछले 2 साल से कोरोना से अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो हमें स्टूडेंट्स को ही होना पड़ा है, क्योंकि इलेक्शन के लिए कोई कोरोना नहीं। इनका चुनाव टाइम टू टाइम होना चाहिए और चुनाव परिणाम भी समय पर आना चाहिए, स्टूडेंट्स के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये सारी बातों से आप अगर एग्री करते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मैसेज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑनरेबल राजनाथ सिंह तक पहुँचे, क्योंकि अब वही कुछ कर सकते हैं। सर, वी ऑल सफरिंग स्टूडेंट्स रिक्वेस्टिंग यू डेट प्लीज टेक इमीडिएट एक्शन ओवर दिस। एंड एट द लास्ट गाइज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल डेट प्लीज डू एंड सपोर्ट द ऑनलाइन प्रोटेस्ट विच इज गोइंग टू बी हेल्ड बाई आवर डिफेंस एजुकेटर्स। डोंट ट्राई टू मेक नॉन वायलेंस बाई डूइंग फिजिकल प्रोटेस्ट, क्योंकि उससे कुछ फ्रूटफुल तो होगा नहीं, उल्टा हमारा नुकसान ही होगा। सो डू शेयर, डू सपोर्ट मोर एंड मोर। जय हिंद।